हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3 का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, आपके बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, ऑप्टेन ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 जीरोज आर √5/3 एंड √-5/3। आप जानते हो किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी पावर होती है, फिर मेरे को जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उसकी उतनी ही जीरोज होती हैं। इसकी हाईएस्ट डिग्री है 4, तो इस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज होंगी बच्चों? 4 जीरोज होंगी। 2 जीरोज ऑलरेडी गिवन है, 2 जीरोज ऑलरेडी गिवन है, तो आप मान सकता हूं मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। यानी एक जीरो है x इक्वल टू √5/3 और एक जीरो है हमारे पास x इक्वल टू −√5/3। आप जानते हो इसे कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अगर इसे लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो −√5/3, ठीक है। एक जीरो हमारी ये बन जाएगी, या फिर मैं कहूँगी एक फैक्टर ये बन जाएगा इस इक्वेशन का, और ये माइनस है तो इधर आके प्लस में बन जाएगा x+√5/3। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट चल रहा है बच्चों, यहाँ भी अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना आता हो। एक ये जीरो है, एक ये जीरो है। अभी मैं अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो आप देखिए, ये ए, अगर इस एक्स को ए मानता हूँ, इसे बी मानता हूँ, तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी बन रहा है हमारा। और आप जानते हो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका निकल के आएगा x²-5/3। यानी ये एक ऐसा फैक्टर निकल के आया, ये एक ऐसा फैक्टर निकल के आया कि अगर इस वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे तो आंसर जीरो आएगा। या फिर मैं ये कहूँ आपसे कि इन दोनों जीरोस का जब हमने प्रोडक्ट किया तो ये निकल के आया। अभी अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस पूरे पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इस पूरे पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करते हैं। ये जो हमने पॉलिनोमियल एक फाइंड किया है, और ये पॉलिनोमियल कैसे फाइंड किया हम लोगों ने, जो गिवन जीरोस थी उनकी मदद से, x²-5/3। और आप बहुत अच्छे से जानते हो हमारा यहाँ मेन मकसद क्या होता है कि पहली वाली टर्म में कुछ भी ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि ये वाली वैल्यू आए। तो एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगी 3x की पावर 4 आए, तो 3x स्क्वायर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा बच्चों? 3x की पावर 4। तो हमारा बन गया 3x की पावर 4, ठीक है बच्चों। अभी इसके बाद ये आगे वाली टर्म को भी हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी −5/3 को 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे, −5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x² से। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चों क्या बचेगा? −5x² बचेगा बच्चों। लेकिन हमें यहाँ तो डिग्री 3 है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे −5x². सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हम लोग, माइनस प्लस, पूरी टर्म कैंसिल है, यहाँ ऊपर वाली पूरी टर्म उतार लेंगे, प्लस 6x³। और ये देखिए, ये प्लस का 5x², ये माइनस का, यानी क्या बचेगा बच्चों? प्लस का 3x². आगे वाली पूरी टर्म्स नोट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए करते रहिए साथ के साथ। अभी हम लोगों क्या करना है, अब ये साइन यहाँ आ जाएगा। अब x² में ऐसा क्या मल्टी, देखिए बच्चों यहाँ पर जो भी साइन होगा वो साइन हम लोग यहाँ पुट अप कर देंगे। x² में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे? 6x³ आए, तो आप जानते हो 6x लेना होगा आपको, तो ये नंबर इधर बन जाएगा 6x³। अभी हमारा अगला काम क्या है, ये जो −5/3 है, ये −5/3 को भी मल्टीप्लाई करना होगा 6x से। तो 3 2 टाइम्स, यानी 5 2 10, −10x, तो −10x हम इसके नीचे लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों? सेम डिग्री के नीचे सेम डिग्री आना चाहिए। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन अपोजिट, ये भी साइन अपोजिट, पूरी टर्म कैंसिल आउट, यहाँ से ये ऊपर से नोट किया हमने 3x², और ये आया बच्चों प्लस का 10, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ आएगा −5। अगला स्टेप हमारा, यहाँ पर जो भी साइन होगा ये साइन इधर नोट कर लिया जाएगा। और इसके बाद अब आप इस x² में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे 3x² आए, तो आप जानते हो 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बनेगा 3x²
और माइनस फाइव अपॉन थ्री में जब थ्री का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का फाइव आएगा, और जैसे ही आप साइन रिवर्स करोगे ये पूरा कैंसिल आउट होके जीरो आएगा। तो जीरो आने का मतलब आप समझते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने क्लास नाइन्थ में भी किए थे, यानी कि ये हमारा परफेक्ट फैक्टर था और तभी ये दो जीरोस हमें दी गई थी। अभी हमारा अब अगला स्टेप क्या है कि हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि दो जीरोस तो गिवन थी, रिमेनिंग टू जीरोस और फाइंड करनी थी। अभी हमारा ये जो क्वेश्चन आया है, अब आप इस क्वेश्चन को अलग लिख लीजिए, ये आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकल के आया। ये क्या निकल के आया बच्चों? एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब हम क्या करेंगे, इसे स्प्लिट करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आई हमारे पास 3x² + 6x + 3, इसे इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ। अभी देखिए इसे और सॉल्व कर लेते हैं। अब आप जानते हो इस पूरी इक्वेशन में से आप 3 कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, तर x² + 2x + 1 = 0। ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई, ये उधर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा 3। देखिए ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में जाएगा तो मीन्स खत्म हो जाएगा। क्या बचेगी इक्वेशन आपके पास, x² + 2x + 1। अभी हम लोग इसे क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। किससे? या तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लीजिए या फिर धराचार्य फॉर्मूला, वो आप अभी चैप्टर 4 में पढ़ोगे, तो अभी आपके पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट है उसी से करते हैं। तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशियंट होगा उसे लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 = 1 होगा, और 1 के फैक्टर्स करोगे आप तो 1 और 1 ही आएंगे। तो शायद बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से जानते हो इसे कैसे किया जाएगा। अब आगे +x + x + 1, ठीक है बच्चों, 2x को स्प्लिट कर लिया x + x में, 1x और 1x में, और 1 × 1 = 1 होता है, वही तो लाना था हमें। अब इन दोनों में से कॉमन लोगे x तो यहाँ क्या आएगा, x + 1, और यहाँ से भी यहाँ इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने x, तो यहाँ से x कॉमन आया तो इधर बचा x + 1, और यहाँ जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 लेते हैं, तो x + 1, यानी हमारा बना x + 1 और x + 1। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वल टू जीरो रखोगे तो x + 1 = 0 रखोगे तो फैक्टर आया x = -1, और यहाँ से भी x = -1। शायद क्वेश्चन में यही पूछा गया था आपसे कि रिमेनिंग टू जीरोज निकालिए। तो देखिए दो जीरोज तो हमें ऑलरेडी गिवन थी, एक √5/3, एक -√5/3, और जो रिमेनिंग टू जीरोज आई वो आई एक x = -1 और x = -1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया, ठीक है बच्चों। चलिए प्रैक्टिस करो आप लोग अच्छे से, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन भी दबाना, और कमेंट करके बताना हमारी वीडियोस कैसी लग रही है आपको। थैंक यू।